नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ये लर्निंग विद दुर्गेश में। आइए हम लोग आज से हिंदी देखते हैं। चलिए अगर बात की जाए भैया हिंदी की, ठीक, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती थी वह संस्कृत भाषा बोली जाती थी, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि समस्त भाषाओं की जननी, आप कह सकते हैं भैया संस्कृत को समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। समस्त भाषाओं की जननी जननी कहा जाता है, ठीक भैया। संस्कृत को समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगर संस्कृत को जननी कहा गया, यानी माता कहा गया, तो जाहिर सी बात है सभी भाषाएं यहीं से उत्पन्न हुई होगी। अगर सभी भाषाएं यहीं से उत्पन्न होगी तो हमारी हिंदी भाषा भी यहीं से उत्पन्न होगी। अब हमको हिंदी ही पढ़ना है तो हम देखते हैं कि संस्कृत से हिंदी का विकास कैसे हुआ, संस्कृत भाषा से क्या चीज अलग हुआ, क्या चीज अलग नहीं हुआ, कैसे कैसे हिंदी की रूपरेखा बनती चली गई, ठीक, इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर संस्कृत भाषा को लिया जाए, संस्कृत यह जो हमारी संस्कृत भाषा थी सबसे पहले बोली जाती थी, और जब हमारी संस्कृत भाषा सबसे पहले बोली जाती थी तो हुआ क्या भैया, धीरे धीरे, जाहिर सी बात है अगर एक परिवार है, छोटा सा परिवार है, उस पर धीरे धीरे भैया दादाजी हैं, दादाजी के बेटे हुए, बेटे के बेटे हुए, बेटे के भी बेटे हुए, तो परिवार बढ़ता गया। और जब परिवार बढ़ता गया तो एक समय बाद क्या होता है, उस परिवार में विखंडन आ जाता है, विकृतियाँ आ जाती हैं। जब उस परिवार में विकृतियाँ आ जाती है तो परिवार अलग होने लगता है। उसी प्रकार हमारा जो ये हिंदी संस्कृत साहित्य का परिवार था, यह धीरे धीरे विकृतियों में आने लगा, और विकृतियों में जब आने लगा तो यह संस्कृत भैया दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक हो जाता है वैदिक संस्कृत, यहां से जो भाग निकलता है वैदिक संस्कृत एक हो जाता है वैदिक संस्कृत, और इसी का जो दूसरा भाग निकलता है भैया वह हो जाता है आपका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ये जो देखिए जो वैदिक संस्कृत हुआ यह केवल वेदों की भाषा बनकर रह गया, ठीक, जो वैदिक संस्कृत हुआ यह वेदों का भाषा बनकर रह गया, लेकिन जो लौकिक संस्कृत हुआ भैया यह लोगों की भाषा हो गया। यानी वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा बनकर रह गया और लौकिक संस्कृत लोगों की भाषा हो गई। अब जब यह लोगों की भाषा हो गई तो लोग बोलना किसी किए भैया, इसी लौकिक संस्कृत को ही लोग बोलना शुरू कर दिए, और जब लोग लौकिक संस्कृत को बोलना शुरू कर दिए यह वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा रह गई, तो विकार किस में उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है विकार हमारा लौकिक संस्कृत में ही हो, ठीक। तो जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ तो लौकिक संस्कृत ने सीधे सीधे क्या किया भैया, अपने रूपों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया, यानी इसने अपने रूप को त्याग कर दूसरा रूप धारण कर लिया। जैसे आप होता है क्या, जनरली आप पढ़े होंगे सबसे पहले हमारा क्या आया, सनातन धर्म आया, और सनातन धर्म जो बोला गया फिर सनातन धर्म की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। इसके बाद बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वह आपकी पाली भाषा थी, ठीक। तो जैसे जैसे भाषाएं परिवर्तित हुई वैसे वैसे हमारे धर्म भी परिवर्तित हुए, और जितने धर्म आते गए भैया उन्होंने क्या किया, नए नए भाषाओं को अपनाना शुरू कर दिया। अभी जैन धर्म आया तो जैन धर्म क्या करता है भैया, प्राकृत भाषा को अपना लेता है। तो उसी प्रकार से हमारी भाषाएं भी चेंज होती चली जाती हैं, बदलती चली जाती हैं। तो लौकिक संस्कृत का परिवर्तन किसमें हो जाता है भैया, पाली भाषा में हो जाता है।
किस में हो जाता है? पाली भाषा में हो जाता है। अब जब हम लौकिक संस्कृत को पाली भाषा में बोलना शुरू कर दिए, धीरे धीरे पाली भाषा आया, तो पाली भाषा में भी क्या हुआ भैया, धीरे धीरे विकार आना शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आगे चलेगा उसका परिवार भी बढ़ना शुरू होगा, जब परिवार बढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे उसमें विकार आना तय है, तो धीरे धीरे इसमें विकार आना शुरू हो गया। जब इसमें विकार आया भैया, तो पाली भाषा क्या हो गई भैया, प्राकृत में बदल जाती है। प्राकृत में बदल जाती है। अब क्या हुआ, अब हम प्राकृत भाषा बोलना शुरू कर दिए, लेकिन प्राकृत भाषा रहेगी कब तक? एक समय बाद इसमें विकार आना तय था, और हुआ यूं ही इसमें विकार आ ही गया, और यह प्राकृत भाषा क्या होती भैया, अपभ्रंश में बदल जाती है। अपभ्रंश में बदल जाती है। यह देखिए भैया, लौकिक संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत आया, और प्राकृत से अपभ्रंश आया, यानी इतनी भाषाओं में यह बदलना शुरू कर दिया। अब देखिए, अभी तक हमारी हिंदी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन जैसे ही अपभ्रंश भाषा आई, अब अपभ्रंश का जब विकार उत्पन्न होना शुरू हुआ, तो इसमें थोड़ा तेजी से विकार होता है, और यह दो भाषाओं में विभक्त हो जाती है। अपभ्रंश में दो भाषाएं निकलती हैं भैया, आपका एक निकलता है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ठीक, और इसी का दूसरा रूप निकलता है भैया अपभ्रंश से, ठीक, इसी अपभ्रंश दूसरा रूप निकलता है, जिसे आपने नाम दिया भैया सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, क्या नाम दिया, सौरसेनी अपभ्रंश। यह अब किस में आ गया, सौरसेनी अपभ्रंश में आ गया। अब देखिए, मागधी अपभ्रंश की भाषा तो अलग थी, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश जो थी वह हमारी हिंदी को लेकर आती है, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से ही। अपभ्रंश का मतलब होता भैया टूटा फूटा, यानी यहां पर भाषाओं का टूटा फूटा प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका प्रयोग होता भैया, हमारे हिंदी का प्रयोग होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी को भी कुछ लोग पुरानी हिंदी कहें, और पुरानी हिंदी को भी कुछ लोग क्या कह दिए, अवहट्ठ कह, जैसे आता क्या है भैया, सर्वप्रथम एक आपके विद्वान आते हैं, सर्वप्रथम हम ऐसे भी कह सकते भैया, कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा, सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को अवहट्ट कहा, अवहट्ट कहा। सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या किया भैया, पुरानी हिंदी को अवहट्ट रूप दे दिया, उन्होंने कहा कि इस पुरानी हिंदी को अवहट्ट कहा जाए, तो यह कहा गया है। नहीं, अगर कुछ लोग देखिए, कुछ लोग पढ़ाने के लिए कहते क्या है कि अवहट्ट आई, अवहट्ट से तब हिंदी आई, नहीं, पुरानी हिंदी को ही अवहट्ट कहा गया। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो अवहट्ट नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको लगाना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर सौरसेनी अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है भैया, तो आपको क्या लगाना है, अपभ्रंश लगा देना है, ठीक। अच्छा, अगर अपभ्रंश होता क्या है, इतना हो गया, उत्पत्ति किससे हुई, दूसरी चीज
अगर आपसे पूछता है हिंदी की आदि जननी कौन है, आदि जननी का मतलब एकदम पुरानी वाली मम्मी, तो इनकी बूढ़ी माँ कौन है भैया, संस्कृत है। तो आप किसको लगाएंगे, संस्कृत को लगाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें भैया, हमारी हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई, संस्कृत से उत्पन्न हुई, लेकिन संस्कृत के रास्ते से चलते चलते वो कहाँ आती है, पाली में आती है, पाली से फिर प्राकृत में आती है, प्राकृत से क्या होती है, अपभ्रंश में आती है, अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी। होता क्या है, आप जब पढ़ते हैं भैया, अभी हिंदी में आपको शब्द पढ़ाए जाएंगे, शब्द में आप देखते हैं कि जो संस्कृत से शब्द निकले, ठीक, जो शब्द संस्कृत से निकले और सीधा सीधा कहाँ चले आए, हिंदी में चले आए, उन्हें हम तत्सम कह देते हैं। और जो संस्कृत से निकले भैया, पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में आए, अपभ्रंश से फिर भैया सौरसेनी अपभ्रंश में आए, और सौरसेनी अपभ्रंश से फिर हिंदी में आए। तो इनको हम क्या कह देते हैं भैया, तद्भव कह देते हैं। और हिंदी में आए तो हिंदी में अपने अनुसार प्रयोग किए गए भैया, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आपको दो चार क्वेश्चन याद करना भैया, है क्या, हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक, इसके बाद हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है, संस्कृत के दो भाग हुए से, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत अपना रूप परिवर्तित करती है पाली में, पाली से वह पुनः आती है प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से वह आती है भैया मागधी और सौरसेनी अपभ्रंश में, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी आती है, हिंदी के पुराने रूप को अवहट कहा जाता था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए एक चीज और आती है कि अगर पूछता है भैया कि हमारी हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, ठीक, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश हो गया, अब क्या होता है भैया, यहीं से एक नदी निकलती भारत की, जिसका नाम रखा जाता भैया सिंधु नदी। हम खोज रहे हैं हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, ठीक। अभी देखिए बेसिक चीजें हैं, ठीक, हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, हम वही खोज रहे हैं। अब यहां से देखिए, सबसे पहले यहां से जो सिंधु नदी निकलती है, तो यहीं से निकलकर ये सीधा ऐसे होते हुए कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, ठीक, सबको पता है। अच्छा, अब क्या होता भैया कि हमारा जो भारत था वह इधर से भी भैया पर्वतों से घिरा हुआ है, यानी कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, इधर पूरा भैया यह जल से घिरा हुआ है, कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, इधर पूरा जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसका जो इतना भाग है यह स्थल से जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब स्थल से जुड़ा हुआ है तो हमारे यहाँ विदेशी अगर आएंगे, पहले के समय में क्या था कि हमारे यहाँ जहाज नहीं थे, आधुनिक चीजें नहीं थी ना, यानी तकनीकी भरे चीजें हमारे यहाँ नहीं थी, तो हम क्या करते थे भैया, नाव से यात्रा करते थे, कहीं हमको दूर जाना होता था, ठीक। तो लेकिन नाव से चलकर इतना बड़ा सागर पार करना असंभव की बात थी उस समय, तो आते कहाँ से थे, तो इसी रास्ते से आते थे। अच्छा, इस रास्ते से जो विदेशी आते थे उन्हें यह सिंधु नदी भैया क्रॉस करनी पड़ती थी, लागना पड़ता था। तो अब यहां से आता कौन है भैया, सबसे पहले ईरानी आते हैं, सबसे पहले आता कौन है भैया, ईरानी आते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब ईरानी भारत में आते हैं तो ईरानी देखिए है क्या, अभी जैसे हम बोलते हैं भैया लड़का,
लड़का एकदम जो आपके पास की चीजें हैं मैं इसी को बता रहा हूँ। जैसे आप खड़ी हिंदी में लड़का बोलते हैं, अभी यही चले जाइए आप बिहार में, ठीक, और वहां बोलते हैं लोग भोजपुरी, और भोजपुरी में लड़का को क्या कहते हैं भैया, लड़का, सॉरी लड़का बोलते हैं। भोजपुरी में लड़का को लड़का बोलते हैं आप, लड़का। अब क्या भोजपुरी में आपने लड़का बोला, अब इसी लड़का शब्द को आप जब भैया ब्रज में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। सोचिए यहां ड को ई कह दे रहा है और यहां ड को र कह दे रहा है, यह वातावरणीय प्रभाव होता है, यह विकृतियां होती भाषा की। उसी प्रकार जब हमारे यहां ईरानी आते हैं तो वो सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते हैं, क्यों, क्योंकि उस स को स नहीं कह पाते थे, स को क्या बोलते थे, उस स को ह बोलते थे, ठीक, स को ह बोलते थे और ध को वो द बोलते थे। इस प्रकार उनके मुख से जो शब्द निकला भैया, वह बाकी स्वरों का उच्चारण कर लेते थे, तो उनके मुख से जो शब्द निकला वह निकला हिंदू, यानी सिंधु से वो क्या कह दिए, हिंदू। और हिंदू का जो व्यापक रूप बनता है वो क्या बनता है, हिंद, ठीक, हिंदू का जो व्यापक रूप बनता है वो हिंद बनता है, और हिंद से ही बनता है हमारा हिंदुस्तान भी बनता है, और हिंद से हमारी हिंदी बनती है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछता है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द के विकृत रूप हिंद से हुई है, ठीक। और अगर पूछेगा हिंदी का नामकरण हिंदी किसने किया, तो ईरानियों द्वारा विकृत रूप से बोले जाने के कारण सिंधु शब्द का ही रूप हिंदी हुआ, ठीक। तीसरी चीज, आपसे अगर पूछेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देख लिया भैया कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई, हिंदी का नामकरण हिंदी कहां से हुआ, दोनों चीजें हमने देख लिया। अब हमें देखना है भैया कि हिंदी है क्या, ठीक। तीसरी चीज आती है, हिंदी है क्या। चलिए अब हिंदी है क्या ये देखते हैं भैया। अगर हिंदी को माना जाए तो हिंदी, हिंदी हमारी भाषा है। कैसी भाषा है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है, राजभाषा। अगर वास्तविक रूप से पूछा जाए तो हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे किसका रूप दिया गया भैया, राजभाषा का रूप प्रदान किया गया। अगर कभी आपसे पूछेगा कि हिंदी को राजभाषा का रूप संविधान के अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद में प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 343 में प्रदान किया गया, ठीक। दूसरी चीज अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है लेकिन यह विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक। विस्तृत क्षेत्रों का मतलब, बोले जाने का मतलब है कि आपके 10 राज्य से ज्यादा, ठीक, तो इतने राज्यों में बोले जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाता है नहीं बस दिया जाता है, ठीक। अच्छा अब तीसरी चीज आती है कि भाषा कहते किसे हैं। हिंदी तो हमने जान लिया हिंदी क्या है, अब देखिए हिंदी भाषा है तो भाषा क्या होती है, कहते हैं साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते वही हमारी भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है,
जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। चलिए अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कहते भैया साधारणतः साधारणतः हम जो कुछ भी बोलते हैं साधारणता हम जो कुछ भी बोलते हैं वही हमारी भाषा है। वही हमारी भाषा है। करें साधारणता हम जो कुछ भी बोलते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। ठीक। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु भास धातु से बना है। जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। ठीक। करें भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। यानी हम जो कुछ बोलते हैं वही हमारी भाषा है। ठीक। हम जो कुछ बोलते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। यानी हमारा जो बोलने का तरीका होता है वही क्या है, भाषा है भैया। ठीक। अगर हमारे तरीके से आप प्रभावित होते हैं तो वो हमारी भाषा का प्रभाव होता है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वह भाषा का प्रभाव होता है तो भाषा के भी रूप होंगे, जाहिर सी बात है। तो भाषा के रूप कई तरह होते हैं। अगर मुख्यतः देखा जाए तो भाषा के तीन रूप होते हैं। ठीक। जानने के तो आप बहुत से रूपों में जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः तीन रूप होते हैं। ठीक। पहला होता भैया सांकेतिक भाषा। ये भाषा के रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा। दूसरा होता है
मौखिक भाषा, पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, और तीसरा होता भैया लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब देखिए जो सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक का मतलब होता है कि संकेत, यानी जो भाषा संकेत के माध्यम से की जाती है। ठीक। अच्छा, संकेत के माध्यम से कैसे की जाती है? जैसे भैया होता क्या है कि अगर आप क्या करते हैं कि छोटा कोई बच्चा है, अब उसको आप कुछ लिख कर दे दीजिए, तो क्या वह समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ठीक। वह आपकी बातों को समझेगा कब? कुछ गाना लगा के छोड़ दीजिए, डीजे बजा के छोड़ दीजिए, वह हंसेगा? नहीं हंसेगा। वह कब हंसेगा? जब आप हाथ पैर सर को हिलाओगे, वह आपके हाथ पैर और सर को हिलता हुआ देखेगा तब वह हंसेगा। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं भैया? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक। जो संकेत के माध्यम से होती है। अच्छा, सांकेतिक भाषा में भी कई रूपें हो जाती हैं। ठीक। अभी आप देखिए, एक रूप वो भी झलक कर आता है जिसको आप जिसे आप रास्ते से जा रहे हैं भैया, आपके सामने एक बोर्ड पड़ा। ठीक। अब इस बोर्ड को आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पर ऐसे छपा हुआ है, ये बोर्ड ऐसे है, और इस बोर्ड पर ऐसे करके कुछ है। अब आप देखते हैं और आपको देखते, यहां कोई बताने वाला नहीं है ना, यहां कोई बताने वाला नहीं, लेकिन इस चीज को आप देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आता है सामने रेल की पटरी है। ठीक। यानी मुझे सावधान होकर चलना है। ठीक। आप कहीं जा रहे हैं भैया, एक बच्चा छपा हुआ है, पीछे बैग लिया हुआ है, एक हाथ पैर उठाया हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं भैया कि यहाँ विद्यालय है, साधन। आप जा रहे हैं इसी बोर्ड पर, भैया लिखा क्या हुआ है? कुछ लिखा नहीं है। आप क्या करते हैं, इसी में देखते हैं भैया ऐसे छपा हुआ है, ऐसे करके, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि आगे अंधा मोड़ है ना। तो कई चीजें होती है जो संकेत के माध्यम से समझी जाती हैं। ठीक। यहाँ पर कोई लिखित रूप होता नहीं, ये तो संकेत में भी लिखित आ जाता है, लेकिन जैसे आप होता क्या है, जनरली जैसे हम लोग भी क्या थे पहले, मानव होने से पहले हम लोग क्या थे, बंदर थे, तो हम लोगों की भी आवाजें संकेत में हो करती थी। जंगल में शेर आए तो कैसे भागते हैं लोग? एक जानवर भगा, दूसरा जानवर भगा, तीसरे जानवर से भागना शुरू करते हैं, तो लोग संकेत से समझते हैं। तो यह भाषा का प्रथम रूप होता है। ठीक। अच्छा, अब मौखिक भाषा की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर जो इस बच्चे को आपने संकेत किया भैया, वही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा ना। अब आप कुछ मत करिए, अब उसको आप जो हाथ पर सर हिला रहे थे उसको कुछ लिख कर दे दीजिए, आप अपनी मोबाइल टेबल पर रख दीजिए और बोल दीजिए बेटा मेरे मोबाइल लेके आओ, तो वह जाएगा मोबाइल लेके आ जाएगा। लेकिन आप कुछ लिख कर दे दीजिए कि बेटा जाओ मेरे मोबाइल लेके आओ, तो बेटा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, वो फाड़ देगा। ठीक। तो होता क्या है कि वह केवल मौखिक चीजों को समझता है, वह लिखित चीजों को नहीं समझता। अब वही बच्चा जब विद्यालय जाएगा तो विद्यालय में वह मानक चीजों को देखेगा और उसको लिखित रूप बताया जाएगा, तब वह लिखित भाषा को समझेगा। ठीक। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछेगा भैया कि भाषा का सबसे ज्यादा अस्थायित्व तो किस रूप में होता है ना, तो भाषा का अस्थायित्व, या आप कह सकते हैं पूर्ण अस्थायित्व, भाषा का पूर्ण अस्थायित्व लिखित रूप में होता है। लिखित रूप में
ठीक। भाषा का पूर्ण अस्थायित्व किस में होता भैया? लिखित रूप में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लिखित रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम बोलकर भी तो कह सकते थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं ना, तो आज के समय भैया स्मार्ट बोर्ड चल गया, ठीक, इसके बाद मोबाइल चल गए, टेलीफोन चल गए, लेकिन पहले के समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले के समय में हम आप तक अपनी भाषा कैसे पहुंचाएं? तो हुआ क्या भैया, अपनी मौखिक भाषा। अब देखिए, हम लोग एकदम पूर्ण सिलेबस पहुंच रहे हैं, अभी ये हिंदी का परिचय था, अब हम लोग सिलेबस पहुंच रहे हैं। कहते हैं अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों ने जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया भैया? अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों ने जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया, विद्वानों ने जिन ध्वनि चिन्हों का जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया किया वही ध्वनि चिन्ह आगे चलकर क्या हो गए भैया? वर्ण हो गए। ठीक, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों ने जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया वही ध्वनि चिन्ह आगे चलकर क्या हो गए? वर्ण हो गए। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे भैया, वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है, ठीक, यानी ध्वनि और वर्ण के बारे में हम देखेंगे। अगर देखिए कभी आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई ना, ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, अब एक बार हम लोग चलेंगे नए पेज पर। अगर आपसे पूछता भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी इकाई, दूसरा क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी छोटी सार्थक इकाई अगर पूछेगा आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भैया ध्वनि को कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर जी ऐसा क्यों? तो भैया ध्वनि से हम केवल केवल कर्णवत होते हैं, ध्वनि से हम केवल कर्णवत होते हैं, यानी ध्वनि को हम केवल सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। जैसे अभी कोई वस्तु आपके सामने ऊपर से गिरे, आपने सुना कुछ गिरा, लेकिन अब कैसे गिरा, कैसे ध्वनि हुई आप बोलिए, गाड़ी आवाज कैसे करती है आप बोलिए, आप उसकी ध्वनि को सुनते हैं ना, लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन सार्थक अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो वर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वर्ण के द्वारा हम कर्णवत होते हैं भैया, और कर्णवत होने के साथ साथ मुखरित भी होते हैं। तो जिसमें हम मुखरित, कड़वत होने का मतलब सुनना, मुखरित होने का मतलब बोलना, जिसे हम सुनकर बोल भी सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं। और ध्वनि को हम केवल सुनते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, तो वह आपकी सबसे छोटी इकाई और यह सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। ठीक, बस इतनी सी चीजें हैं, आगे कल हम लोग वर्णमाला को लेकर चलेंगे, वर्णमाला की परिभाषा को देखते हुए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।